हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विशाला टेक्निकल। आज हम देखने वाले आईफोन 15 प्रो और 14 प्रो दोनों में। पहले तो ये 14 प्रो है, जो उसको देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है, यहाँ कुछ कुछ क्या क्या चेंज हुआ है वो सब देख लेते हैं। अब उसको ओपन करते हैं 15, आईफोन 15 को सबसे पहले हटा देते हैं, खोल के देखते हैं। और अभी उस पाउच में है कुछ, पहले निकालते हैं। ये पेपर में कुछ लिखा हुआ है, वो भी चाइना की भाषा में लिखा हुआ है। और ये 15 प्रो जो दिखते हैं वाइट कलर में, उसमें लोगो थोड़ा मुश्किल से दिखता है आईफोन का, एप्पल वाला लोगो वाइट कलर में, इसलिए पीछे से काफ़ी सॉफ्ट किया हुआ है, जो उसमें 14 और 15 में हाथ लगाने से काफ़ी फर्क दिखता है। और साइड में भी एल्युमिनियम फ्रेम में भी काफ़ी चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम मैट फिनिश टाइप फ्रेम भी दिया है, जो 14 वाले में ग्लोसी टाइप लगता था, उसमें शाइनिंग नहीं मार रहा है, उसमें शाइनिंग टाइप का था 14 में, 15 में शाइनिंग नहीं है। और पीछे से कुछ ऐसा किया है, चेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, नीचे वाले 15 में टाइप सी का पोर्ट है, जो पहली बार आईफोन में आया है, उससे पहले किसी में नहीं आता था आईफोन में। तो 15 में ये पहली बार, 15 वाली सीरीज में पहली बार आने वाला है। ऊपर वाले में देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे बाकी सेम डिजाइन है, खाली अंदर से टाइप सी पोर्ट वाला अलग है। यहाँ पे भी केबल लगा के देख लेते हैं, एकदम परफेक्ट बैठती है केबल, उसे आप फास्ट चार्जिंग भी हो सकता है, काफ़ी बहुत फर्क पड़ने वाला है टाइप सी केबल से, उसमें एकदम बराबर परफेक्ट फिट होती है, जो कि उसमें 14 में नहीं होती, उसमें एक ये अच्छा काम है। ये जो कहीं पे भी अभी टाइप सी वाला है, जो हर जगह पे भी मिल जाता है, ये देखो 14 में भी नहीं, उसमें नहीं घुस रहा है। तो उसमें काफ़ी एक तो ये अच्छा चेंज किया हुआ है, और साइड में ये वॉल्यूम बटन है, और उसमें भी चेंज किया हुआ है। 14 का हम पास में ला के देखेंगे कि क्या चेंज किया हुआ, कितना किया हुआ, आपको दिखा देते हैं। इसमें काफ़ी स्मूथ टाइप प्रेस हो रहा है ये, उसमें जो पहले वाले में वॉल्यूम बटन जो दोनों अलग अलग साइड में होते थे, जो अभी मर्ज कर दिया है, एक बड़ा बटन बना दिया है अप डाउन वॉल्यूम का। पहले वाले में आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे अलग अलग दोनों का वॉल्यूम बटन अलग अलग दिया हुआ था, अब ये जो एक ही में कर दिया है लंबा। और ये जो साइलेंट का बटन है, उसमें भी चेंज, ये जो साइलेंट वाला बटन था उसमें भी चेंज किया हुआ है, पहले ऐसे स्विच करना पड़ता था ऊपर नीचे, जैसे ये अभी कर रहे हैं ऐसा करना पड़ता था, अभी ये जो एक प्रेस करने के उस टाइप में दे दिया, जो आप प्रेस करके साइलेंट वगैरह कर सकते हैं। और अब है जो डिस्प्ले में, जो काफ़ी चेंज किया हुआ है पुराने वाले के मुकाबले में, उसमें काफ़ी चेंज किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो वो ऊपर वाला जो एक पंच हॉल में लॉन्ग टाइप वाला दिया, वो उसमें भी काफ़ी चेंज किया हुआ है। दोनों को हम पास में रख के देखते हैं, आप देख सकते हो पहले वाले में बॉडी रेशियो और उसमें बहुत फर्क है। पहले वाले में बॉर्डर ज़्यादा दिखाई देता था, उसमें बहुत बहुत मात्रा में कम है, लगभग एक
लाइन जितना सिर्फ दिखता है, बाकी इतना दिखता भी नहीं है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये जो पंचोल वाला है, यहाँ पे भी उस पहले के मुकाबले में काफ़ी छोटा और पतला कर दिया है। यहाँ पे आप उंगली रखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि जैसे फुल डिस्प्ले जैसा ही लग रहा है। काफ़ी चेंज किया हुआ है उसमें, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब ऐसे जैसे लग रहा है उंगली रखने से ऐसा लगता है जैसे फुल डिस्प्ले ही है। उसकी साइज देख लेते हैं, जो साइड में से कितनी है आप देख सकते हैं, 76.6 का है और ये 15 का है। और अभी 14 का देख लेते हैं, उसमें 77 का आ रहा है। तो उसमें साइज थोड़ा साइड में से थोड़ा छोटा कर दिया, पतला कर दिया है। वज़न में भी काफ़ी उससे थोड़ा भारी है, 15 से 14 वाले ये सीरीज थोड़ी भारी है। तो उसकी हम दूसरे साइड की भी साइज देखेंगे, क्या क्या कौन सी साइज है। ये आप पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर दिया है ना, उसमें थोड़ा सा पहले से मुकाबले में थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। और वो 14 वाली सीरीज में था जो उसमें एकदम स्क्वायर टाइप में था, वो उसको थोड़ा मामूली सी हल्का कर दिया है। आप देख सकते हो ये 14 का है और 15 वाले में काफ़ी कम दिखाई देता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। और ये टाइप से चार्जर का भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं आप। और पीछे में एकदम वाइट कलर में लोगो एक तो नहीं दिखता है उसका, वाइट कलर में काफ़ी कम दिखता है। और हमें उसका स्लिम कितना है देख लेते हैं, ये 15 का है, 15 का 7.9 mm आता है। और 14 का है जो लगभग 8.3, ये जो काफ़ी उससे काफ़ी थोड़ा मोटा है, ज़्यादा है पीस, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देखने पे पता चल जाता है दोनों पास रखने से। तो देख लेते हैं, ये दोनों बैक साइड का कुछ ऐसा लुक है दोनों में, पीछे से काफ़ी सिमिलर है, देखने में कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आगे से आता है फर्क देखने में। पीछे की साइड में आप देखोगे तो। आज के वीडियो में इतना ही था फिलहाल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।